नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्जाम में पूछे जाने वाले सड़क से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका यह पार्ट चौथा है। इसके पहले तीन पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें भी प्लेलिस्ट से आप जरूर देख लें। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों, यहाँ पे यातायात का चिन्ह दिया गया है, एक ब्लैक सर्किल दिया गया है और ब्लैक सर्किल के अंदर एक क्या दिया गया है, बैलगाड़ी दिया गया है और बैलगाड़ी को ब्लैक सर्किल के अंदर काटा गया है। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब हो जाएगा? दोस्तों, ए ऑप्शन है बैलगाड़ी निषेध, बी ऑप्शन है तांगा निषेध, सी ऑप्शन है हाथ गाड़ी निषेध और डी ऑप्शन है ट्रक निषेध। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि बैलगाड़ी निषेध है, क्योंकि सर्किल में जो बैलगाड़ी दिया गया है उसको काटा गया है, आरडी लाइन के माध्यम से उसे काटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसी यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? तो दोस्तों, एक ब्लैक सर्किल दिया गया है, उसके अंदर है तांगा गाड़ी, यानी कि तांगा गाड़ी को जाते हुए दिखाया गया है और उसे आरडी लाइन के माध्यम से काटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है ट्रक निषेध, बी ऑप्शन है तांगा निषेध, सी ऑप्शन है हाथ गाड़ी निषेध और डी ऑप्शन है बैलगाड़ी निषेध। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि तांगा निषेध। तो दोस्तों, जिसमें जो सर्किल होता है और जिसमें जो आकृति बनी होती है उसे काटा जाता है आरडी लाइन के माध्यम से, जिस आकृति को काटा जाता है, जैसे कि पहले वाले में बैलगाड़ी को काटा गया था, इसमें तांगा गाड़ी को काटा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तांगा गाड़ी निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों, क्या मतलब है? ब्लैक सर्किल दिया गया है, उसके अंदर एक व्यक्ति अपने हाथों के माध्यम से एक गाड़ी को धक्का मार रहा है और उसको आरडी लाइन के माध्यम से काटा गया है। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है तांगा निषेध है, बी ऑप्शन है प्रवेश निषेध है, सी ऑप्शन है हाथ गाड़ी निषेध है और डी ऑप्शन है बैलगाड़ी निषेध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि हाथ गाड़ी निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों, ब्लैक सर्किल दिया गया है, उसके अंदर साइकिल है और साइकिल को आरडी लाइन के माध्यम से काटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है साइकिल निषेध है, बी ऑप्शन है प्रवेश निषेध है, सी ऑप्शन है ट्रक निषेध है और डी ऑप्शन है सभी मोटर वाहन निषेध है। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि साइकिल निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों, सर्किल दिया गया है, उसके अंदर एक व्यक्ति को पैदल जाते हुए दिखाया गया है और उस व्यक्ति को आरडी लाइन के माध्यम से काटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है प्रवेश निषेध है, बी ऑप्शन है पैदल निषेध है, सी ऑप्शन है सड़क पार करना निषेध है और डी ऑप्शन है बैलगाड़ी निषेध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि पैदल जाना या पैदल निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यातायात चिन्ह दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है? दिया गया एक ब्लैक सर्किल दिया गया है, उसके अंदर एक तीर के निशान को दाहिनी ओर मुड़ते हुए दिखाया गया है, यानी कि ऐसे चलकर ऐसे मुड़ा हुआ दिखाया गया है और उसे आरडी लाइन के माध्यम से काटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है बायां मुड़ना निषेध है, बी ऑप्शन है दायां मुड़ना निषेध है, सी ऑप्शन है बायां मुड़ना जरूरी है और डी ऑप्शन है दायां मुड़ना जरूरी है। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, यानी कि बायां मुड़ना जरूरी है और ये भी डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि दायां मुड़ना जरूरी है, क्योंकि इसे आरडी लाइन के माध्यम से काटा गया है। और दोस्तों, किस तरफ मुड़ रहा है? दायां
दाहिने तरफ मुड़ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि दाईं ओर मुड़ना निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ब्लैक सर्किल दिया गया है, उसके अंदर का तीर का निशान दिया गया है और बाईं ओर मुड़ रहा है, और इसे आड़ी लाइन के माध्यम से काटा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है बाएं मुड़ना निषेध, बी ऑप्शन है दाएं मुड़ना निषेध, सी ऑप्शन है एक तरफा यातायात, और डी ऑप्शन है दाहिने मुड़ना निषेध। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बाईं ओर मुड़ना निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों ब्लैक सर्किल है, उसके अंदर का एक तीर का निशान है जो सटीक जाकर एकदम से घूम रहा है, यानी कि चिमटे की तरह घूम रहा है, और उसके ऊपर आड़ी लाइन से उसे काटा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है एक तरफा यातायात, बी ऑप्शन है दोनों तरफा वाहन निषेध, सी ऑप्शन है चिमटा मोड़ निषेध, और डी ऑप्शन है ओवरटेक निषेध। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि चिमटा मोड़ निषेध, यानी कि चिमटा मोड़ मुड़ना निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों सर्किल दिया गया है, सर्किल के अंदर एक तो सीधा जा रहा है, क्या तीर का निशान सीधा जाता हुआ दिखाया गया है, और एक इसे घूम के पार करता हुआ दिखाया गया है, और उसको क्या किया गया है? आर्डी लाइन के माध्यम से काटा गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है दाहिने मुड़ना निषेध, बी ऑप्शन है दोनों तरफा वाहन निषेध, सी ऑप्शन है बायां मुड़ना निषेध, और डी ऑप्शन है ओवरटेक निषेध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि किसी भी साधन को ओवरटेक करना निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों सर्किल दिया गया है, सर्किल के अंतर्गत एक हॉर्न या माइक या स्पीकर दिया गया है, और उसे आड़ी लाइन के माध्यम से काटा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए ऑप्शन है हॉर्न बजाना निषेध, बी ऑप्शन है हॉर्न बजाना जरूरी, सी ऑप्शन है केवल सीधा जाना, और डी ऑप्शन है ओवरटेक निषेध। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि हॉर्न बजाना निषेध है, क्योंकि जो हॉर्न का चित्र दिया गया है, संकेत दिया गया है, उसे आर्टी लाइन के माध्यम से काट दिया गया है, यानी कि ये हॉर्न बजाना निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों एक सर्किल दिया गया है, इसके अंदर एक बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी को जाते हुए दिखाया गया है, और उसे आड़ी लाइन के माध्यम से काटा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है तांगा और हाथ गाड़ी निषेध, बी ऑप्शन है बैलगाड़ी और तांगा निषेध, सी ऑप्शन है साइकिल और बैलगाड़ी निषेध, और डी ऑप्शन है बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी निषेध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि तांगा और हाथ गाड़ी को निषेध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों यातायात चिन्ह दिया गया एक ब्लैक सर्किल के अंतर्गत फोर व्हीलर को दिखाया गया है, और दोस्तों फोर व्हीलर के नीचे दिया गया है जो दूरी होती है, यानी कि तीर के निशान के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया गया है, और दोस्तों इनके मध्य एम लिखा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है लंबाई सीमा मीटर में, बी ऑप्शन है गति सीमा किलोमीटर में, सी ऑप्शन है ऊंचाई सीमा मीटर में, और डी ऑप्शन है चौड़ाई सीमा मीटर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि लंबाई सीमा मीटर में, क्योंकि दोस्तों जो फोर व्हीलर दे रखा है उसके नीचे एरो बना के बताया गया है, एरो यानी कि ऐसे एरो बनाया गया, और उसके अंदर मीटर को एम में व्यक्त करते हैं, तो एम लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों ब्लैक सर्किल दिया गया है, और उसके अंतर्गत लिखा गया है 50, तो इसका मतलब क्या होगा? ए ऑप्शन है चौड़ाई सीमा किलोमीटर में, बी ऑप्शन है गति सीमा किलोमीटर में, डी ऑप्शन है ऊंचाई सीमा किलोमीटर में, और डी ऑप्शन है लंबाई सीमा किलोमीटर में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि गति सीमा किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों यातायात चिन्ह ब्लैक सर्किल के अंतर्गत लिखा गया है 5, और यहाँ पे लिखा गया है टी लिखा गया है, क्या लिखा गया है? टी लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है एक्सल बार सीमा टन में, बी ऑप्शन है गति सीमा किलोमीटर में, सी ऑप्शन है ऊंचाई सीमा किलोमीटर में,
वो डी ऑप्शन है, बार सीमा टन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि बार सीमा है वो टन में है, यानी कि इस टी का मतलब है टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? तो दोस्तों एक ब्लैक सर्किल दिया गया है, उसके अंतर्गत लिखा गया है 3.5 m, और दोस्तों ये जो बारीक बारीक ये तीर के निशान यहाँ पे हैं, तो इनका क्या मतलब है? ए ऑप्शन है गति सीमा किलोमीटर में, बी ऑप्शन है चौड़ाई सीमा किलोमीटर में, सी ऑप्शन है ऊंचाई सीमा किलोमीटर में, और डी ऑप्शन है लंबाई सीमा किलोमीटर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ऊंचाई सीमा किलोमीटर में, क्योंकि दोस्तों जो ये तीर के निशान हैं, दोनों तरफ तीर के निशान हैं, ये ऊंचाई को इंडिकेट करते हैं, यानी कि इनके मध्य कितनी दूरी है इसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों एक सर्किल दिया गया है, उसके अंतर्गत लिखा गया है 2, ये क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, और यहाँ पे बारीक बारीक जो कि तीर के निशान है और अंदर की ओर इशारा करते हुए हैं, इनका मतलब क्या होगा? ए ऑप्शन है एक्सल बार सीमा टन में, बी ऑप्शन है चौड़ाई सीमा किलोमीटर में, सी ऑप्शन है गति सीमा किलोमीटर में, और डी ऑप्शन है लंबाई सीमा किलोमीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि चौड़ाई सीमा है या किलोमीटर में है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक सर्किल दिया गया है, और उस सर्किल के अंदर एक ये क्या दिया गया? बार का निशान दिया गया, और इसके ऊपर एक तीर का निशान आता हुआ दिखाया गया, और उसके ऊपर लिखा गया 4T। क्या लिखा गया? 4T। तो इसका क्या मतलब होगा? ए ऑप्शन है एक्सल बार सीमा टन में, बी ऑप्शन है बार सीमा टन में, सी ऑप्शन है गति सीमा किलोमीटर में, और डी ऑप्शन है लंबाई सीमा किलोमीटर में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि एक्सल बार सीमा है ये टन में है। जो दोस्तों ये 4T लिखा गया है, इसका मतलब होता है 4 टन, और दोस्तों जो ये आकृति बनाई गई है ये एक्सल बार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों एक सर्किल दिया गया है जिसका बॉर्डर तो है ब्लैक रंग का, और दोस्तों सर्किल के अंदर का रंग है बिल्कुल सफ़ेद, और दोस्तों उस सर्किल को आडी लाइन के माध्यम से काटा गया है, और उस आडी लाइन का रंग है काला, यानी कि ब्लैक रंग है। तो इस आकृति का क्या मतलब होगा? ए ऑप्शन है पार्क करना निषेध, बी ऑप्शन है प्रतिबंध समाप्त का चिन्ह, सी ऑप्शन है प्रवेश निषेध, और डी ऑप्शन है सभी मोटर वाहन निषेध। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रतिबंध समाप्त का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों यहाँ पे 2 सर्किल दिया गया है, दोस्तों ये सर्किल है और इसके अंतर्गत एक सर्किल और है, यानी कि 2 सर्किल है, और उस सर्किल के अंदर एक आडी लाइन के माध्यम से उसे काटा गया है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हो जाएगा? ए ऑप्शन है एक तरफा यातायात, बी ऑप्शन है रुकना खड़ा होना मना है, सी ऑप्शन है प्रवेश निषेध, और डी ऑप्शन है पार्क करना निषेध। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पार्क करना निषेध है। और दोस्तों इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि जो ये बार वाला सर्किल है ये तो क्या हो जाएगा? पार्क हो जाएगा, और दोस्तों इसके अंतर्गत जो सेकंड सर्किल है, अंदर सर्किल बना हुआ है, ये क्या है? जो कि कोई साधन है, जैसे कि गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, और उसको क्रॉस किया गया है, यानी कि ये जो भी संसाधन है उन्हें यहाँ पे पार्क करना निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो दोस्तों एक ब्लैक सर्किल दिया गया है, उसके अंतर्गत सफ़ेद रंग का क्या बनाया गया है? तीर का निशान बनाया गया है, और उस तीर के निशान का मुंह किस साइड में है? ऊपर की ओर है, यानी कि सीधे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है बाएं रखना जरूरी है, बी ऑप्शन है दाएं मुड़ना जरूरी है, सी ऑप्शन है केवल सीधा जाना है,
और डी ऑप्शन है सीधा जाना निषेध है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि केवल सीधा जाना है। तो दोस्तों क्योंकि ये जो तीर का निशान है इसका मुंह बिल्कुल सीधा है, तो इसका मतलब है केवल सीधा ही जाना है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड सड़क से संबंधित 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।